हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग 2 से 3 दिन बाद मिल रहे हैं, तो बहुत सारा वेलकम, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके नंबर वन चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। मैं बहुत अच्छी हूँ स्टूडेंट्स, और मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि आज जो रात में 8 बजे वाला बैच कोर्स है, वैसे तो वो ईयर लॉन्ग है, लेकिन आज मैं टेस्ट ले रही हूँ। एक तरीके से 90 क्वेश्चन का टेस्ट है, और 1 या 2 दिन बाद मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ। फुल सिलेबस का मतलब होता है कि जो 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी तो डालूंगी ही डालूंगी, 45 फिजिक्स की भी डालूंगी और 45 केमिस्ट्री की भी डालूंगी, जिससे कि 13 सितंबर से पहले आपको लगे कि मेरा यहीं पर ही नीट का एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंडक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स? नो स्टूडेंट, इट इज़ अ सिंपल टेस्ट, इट इज़ नॉट अ मेंटी। ओके, चलिए, तो ऐसा वाला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ले लें, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री एंड 90 बायोलॉजी, ऐसा ले लें। बताओ, ऐसा टेस्ट ले लेना स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है ना? तो मैं इस पे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी अच्छे, फिजिक्स केमिस्ट्री करवा नहीं पाऊंगी, पर एक तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो जाएगा। 3 घंटे का हम लोग टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? 3 घंटे का हम लोग टेस्ट ले लेते हैं। कल और परसों भी मैंने 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी का मॉक टेस्ट डाला है, दिन में 1 बजे यूट्यूब पर। अभी रात में टेलीग्राम पे डाल दूंगी तो पता चल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दिस नंबर वन चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी। बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, 7 साल का एक्सपीरियंस है, और ये मेरा टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए आगे के सेशंस को जानने के लिए। तो बच्चों, बार बार यही कहूंगी कि मेरे साथ अगर बढ़िया तैयारी करनी है, सिलेक्शन 1 साल में करवाना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, और आप ये चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो लेकिन वो सिलेक्शन मेरा लॉजिकल हो, आगे भी मेरे को बहुत हेल्प मिले हर चीज़ में, तो स्टूडेंट्स एक बार ध्यान रखिए, मेरे साथ जुड़िए अनअकैडमी पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और लीजिए नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो कि 1 साल और 2 साल का बहुत बेस्ट है। 2021 2022 वालों के लिए अभी सब्सक्रिप्शन लेना एक तरीके से वरदान ही है। कोड आपको यूज करना है MB10, ये यूनिवर्सल कोड है, कोई भी कोर्स परचेज करेंगे ये कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नीट यूजी में अगर मेरे से ही पढ़ना है, मेरा स्टडी मटेरियल लेना है हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो हैंड रिटन तो मैं लिखवाती हूँ, सब कुछ के लिए टेक सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। नीट यूजी का 1 साल या 2 साल का कोड है MB10, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना मॉक टेस्ट। तो मैंने अभी इससे पहले 3 मॉक टेस्ट और ले लिए हैं, फुल सिलेबस मतलब बायोलॉजी का फुल सिलेबस के 90 क्वेश्चंस, वो मैंने स्पेशल क्लास पे लिए थे। तो ये जो 4th नंबर का मॉक टेस्ट है, ये मैं आज यूट्यूब पे ले रही हूँ, वो मैं बैच कोर्स में ले रही हूँ। वैसे ये जो 8 बजे वाला बैच कोर्स है ईयर लॉन्ग है, तो कल से जो ईयर लॉन्ग वाला बैच कोर्स है वो ईयर लॉन्ग ही होगा, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन छोड़ा था उसे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? तो कल से दिन में 1 बजे आपका बाकी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लूंगी, और सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट लेने वाली हूँ। ये 11 दिन जो बचे हुए, 10-11 दिन है, ये मुझे दे दो और सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट दो। बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस के भी लूंगी और फुल सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लूंगी, मैं जितने ले सकती हूँ ले लूंगी। कल दिन में 1 बजे यूट्यूब पर 5वां और 6ठा मॉक टेस्ट, ठीक है ना? कल 5वां फिर 6ठा, बस टेलीग्राम देख लेना, स्केड्यूल पता चल जाएगा। ओके चलिए, तो एक बार मैं दोबारा हाय हेलो कर लेती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि मैं टेस्ट तो बहुत पहले ले चुकी हूँ, अब भी इतने टेस्ट लूंगी कि आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरा, उसका नीट उसके हाथ से छूट गया। जिसका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त, उसका तो मस्त। चलो फोर्थ है, फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये टेस्ट है तो इसको सोच समझ के अटेम्प्ट करो टेस्ट की तरह। बताओ पहले का क्या होगा, इन फॉलोइंग प्लांट मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय। ओके, अच्छा स्टूडेंट, इसमें शायद पिक मिसिंग है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में पिक मिसिंग। ओके, सपोज करो ऐसा ही कोई क्वेश्चन नीट में आ जाए, तो व्हाट यू विल अटेम्प्ट, अटेम्प्ट इट।
बेटा बायोलॉजी 1 पे नहीं हूँ, 9th 10th के लिए लेट्स क्रैक फाउंडेशन NTSC पर हूँ। क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? इन फॉलोइंग प्लांट मेल गैमेट्स। देखो सपोज करो कि कोई भी प्लांट नहीं दिया गया है, कोई भी प्लांट आपको नहीं दिया गया है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस से ही होगा। कोई प्लांट दिया हुआ है आपको तो आप प्रिडिक्ट कर लो, पर यहां पर कोई प्लांट नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड एंड इंडियन डेमोक्रेसी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फुल बायोलॉजी मॉक टेस्ट है 11th 12th 90 क्वेश्चंस का। सारे बच्चे अटेम्प्ट करें, सारे के सारे बच्चे अटेम्प्ट करें, जितना भी आता है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज 2 मिलियन इन 1900 विच इंक्रीज टू 6 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सी द क्या होगा, क्या है फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड एंड इंडियन डेमोक्रेसी? बताइए स्टूडेंट्स इसका आंसर। द वर्ल्ड, देखो इनकरेक्ट पहचानना है, गलत पहचानना है। टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इतनी पॉपुलेशन थी, सही है। 2001 में सेंसस इतना था, सही है। गलत क्या है? फर्स्ट वाला, ठीक है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। डायकैरियोफेज इज ऑब्जर्व्ड इन, बताइए डायकैरियोफेज इज ऑब्जर्व्ड। सबको हेलो हाय, सबको हेलो 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 हेलो। इसका क्या होगा? डायकैरियोफेज किसमें ऑब्जर्व किया जाता है? डायकैरियोफेज, अच्छा ये सपोज करो कि मैं क्वेश्चन करा रही हूं और ये क्वेश्चन नीट में आ जाए तो पार्टी कौन देगा? पार्टी कौन देगा? मैं दे दूंगी। इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ द अबव, सब में डाइकैरियोफेस पाया जाता है। नेम द नीडोब्लास्ट बेयरिंग टीनोफोर, थोड़ा जल्दी खेलेंगे क्विकली जिससे कि हमें प्रैक्टिस हो जाए नीट की। नेम द नीडोब्लास्ट बेयरिंग टीनोफोर, नेम द नीडोब्लास्ट बेयरिंग टीनोफोर। ये नीडोब्लास्ट बेयरिंग टीनोफोर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? बताइए फोर्थ का क्या होगा, कौन बताएगा? नेम द नीडोब्लास्ट बेयरिंग टीनोफोर। यस इट इज टीनोप्लेना। चलिए Who did prove that the chromosome replicates semi-conservatively? बताइए किसने प्रूव किया था कि क्रोमोजोम सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लीकेट करते हैं? अच्छा ये जो खिलवा रही हूं इसकी PDF टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी विथ प्रॉपर आंसर की, तो इसकी फिक्र मत करो, ठीक है। इसका क्या होगा फिफ्थ का, किसने दिया था? सिंपल है, साइंटिस्ट के नेम पर तो आप ये मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन नीट में आएंगे ही आएंगे, टेलर। चलो सी दिस, कोरिलेट द गिवन फीचर ऑफ एन एनिमल सेल फर्स्ट टू फोर विद देयर रेस्पेक्टिव पार्ट्स। और बच्चों ईयर लॉन्ग वाला बच्चा खेल रहा है, साल भर की तैयारी के लिए अब तो वक्त बर्बाद करने की कतई भी जरूरत नहीं है। ले लो नीट UG का सब्सक्रिप्शन 1 या 2 साल का, MB10 मेरा कोड है, ओके। बच्चों अभी आप लोग खेल लो, फिर जाते टाइम में आप लोगों के सारों से बात करके जाऊंगी। अभी अगर अपन बातें करेंगे तो हो नहीं पाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका? भाई आप मुझे एक बात बताओ कि कोरिलेट, ठीक है, ये नेक ये भी है, इसको भी देखो, इसको देख लिया आपने, कोरिलेट द गिवन फीचर ऑफ एनिमल सेल। यहां पर क्या है आपको ये लेबलिंग के हिसाब से बताना, ये पढ़ लो और अब बताओ क्या होगा इसका। इसका क्या होगा? अगर आप इसका करेक्ट ऑप्शन मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन सेकंड जाएगा। अगर आप इसको देखोगे तो द स्ट्रक्चर डिवीजन में ये अपना क्रोमोजोम, मेन हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया माइक्रोविला है, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एंजाइम नाइट्रोजिनेज, क्या चीज सही नहीं है, ये हाईली सेंसिटिव है, नॉट करेक्ट गलत बताना, ये इट इज हाईली सेंसिटिव, हाँ इट इज एफ ओ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, येस, नाइट्रोजिनेज इज नॉट एक्टिंग वेन राइजोबियम इज फ्रीली प्रेजेंट, इट हैज द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज मॉलिकुलर नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो गलत है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। चलिए अबाउट डायग्राम शोज, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या शो कर रहा है बताइए, बताइए ये क्या शो कर रहा है, आप देखो कि ये बर्ड अपनी बीक को बढ़ाती जा रही है बढ़ाती जा रही है, ऐसे भी जा सकते हो, और आप फर्स्ट बीक से लेके घटाती जा रही है, तो एक कंडीशन के हिसाब से क्या कर रही है, अपने आप को एडप्ट कर रही है, तो एडप्टिव रेडिएशन। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रेगुलेशन टू कार्डियक एक्टिविटी, गलत स्टेटमेंट बताना है कार्डियक एक्टिविटी से रिलेटेड, बताइए, खूब सारे बच्चे आ जाइए स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, बहुत ही बढ़िया 90 क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे, तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्या पता इसमें से कुछ उठ के आ जाए। न्यूरल सेंट्रल मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन, ओके, सिंपैथेटिक नर्व हमेशा इंक्रीज करती है, ये क्विकली क्विकली देखो कि ये कैसे सॉल्व होंगे ट्रिक से, एड्रेनल मेडुलरी इंक्रीज करते हैं, पैरासिंपैथेटिक तो डिक्रीज करता है, तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ को एवोल्यूशन, को एवोल्यूशन का क्या एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट लर्न करने के होते हैं, जबरदस्ती आप लॉजिक लगा के अपना टाइम मत वेस्ट करो, सीधे देखो इसका आंसर, बीज एंड ऑर्चिड फ्लावर को एवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन ऑफ विच प्लांट कॉजेस एलर्जी, कौन से प्लांट का पोलन ग्रेन भयानक एलर्जी कर सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी कर सकता है, मायोसोटिस, टाइफा, खेपैरिस या पार्थीनियम, इसका क्या होगा, सुन काफी बच्चे बहुत सही बच्चे खेल रहे हो आप लोग, पार्थीनियम, इससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा मेगा टेस्ट है, 11 सितंबर तक सिर्फ मेगा टेस्ट ही अब चलते रहेंगे, ठीक है, दिन में 1 बजे का टाइम रखा है कल से, क्योंकि ये रात में 8 बजे वाला ईयर लॉन्ग बैच है, पर आज मैंने टेस्ट ले लिया, वैसे रोज दिन में 1 बजे टेलीग्राम देख के सोना रात में मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड असेसरी सेक्स डक्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, असेसरी डक्ट कौन सी नहीं है स्टूडेंट्स, असेसरी डक्ट कौन सी नहीं है स्टूडेंट, फास्ट डिफरेंस है एपिडर्मल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, आपको खुद को समझ में आ रहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के अंदर होती है ये, कोई भी डक्ट ग्लैंड किसी के अंदर नहीं आ सकती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये चारों पढ़िए और बताइए कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। बताओ कितने स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन बताना है, ऑप्शन में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितने स्टेटमेंट सही। डाई एटम फॉर्म कीसलगर, न्यूरोस्पोरा यूज फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक्स है, हिटरोस्पोरी, बताओ, मोस्ट एलिगेंट जेनेरा शो, बिल्कुल ये भी सही है, ये चारों सही हैं, अगर आप देखोगे तो चारों ऑप्शन सही हैं। नेम द एम्फीबियन विच डज नॉट हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, बताइए, जीके का क्वेश्चन है ये, जीके का क्वेश्चन। और बच्चों कैसे हो सब, डज नॉट, डायरेक्ट जीके का क्वेश्चन है, एक थायोफिस जीके में भी पूछा जाता है इसको। Which of the following enzyme did not affect transformation in Griffith experiment? मैंने पढ़ाया है Griffith experiment में कौन सा enzyme transformation को affect नहीं करेगा, proteases, RNases, DNases या 1 and 2 both?
इसका क्या होगा? ना ये करता है ना ये करता है, तो वन एंड टू बहुत ही कोई फर्क नहीं करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में। ये डायग्राम दे रखा है एक, ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड रीड द स्टेटमेंट। बच्चों रोज मॉक टेस्ट होने वाला है, पर कल से मॉक टेस्ट दिन में 1 बजे हुआ करेगा। 1-2 दिन यूट्यूब चैनल पे चलेगा, फिर अगर स्पेशल क्लास में होगा तो बता दूंगी, तो प्लीज टेलीग्राम ढंग से देख के सोना। केयरफुली ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड रीड द, इस डायग्राम को देखो कि भाई ये 2 क्रोमोजोम है पीछे जा रहे हैं, अब बताओ। एंड रीड द स्टेटमेंट, बताओ कि ये चारों में से कौन सा इस डायग्राम को डिपिक्ट कर रहा है। बच्चों ज्वाइन फास्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है यार। बताइए बच्चों, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया और क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। बच्चों चैट में प्लीज इधर उधर की बातें ना लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस और बाकी बच्चों को भी अटेम्प्ट करने दीजिए। रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, जैन इंगन हाउस एस्टेब्लिश द असेंशियलिटी ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर रेस्पेक्टिवली बाय यूजिंग, बहुत इजी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। अपन क्यों एक दूसरे का नुकसान करें, नीट का एग्जाम सर पर है। अभी तो आप लोगों को बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, चैटिंग वैटिंग छोड़ के बस सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए धमाकेदार। रन अकेडमी पर क्या होगा, किससे देखा था, बेल जार एक्सपेरिमेंट पूरा, वो बेल जार में माउस बिठाया, कैंडल बिठाई, सब कुछ बिठाया। रीड द फॉलोइंग, इन चारों को पढ़िए और बताइए कि कितने सही हैं। कितने सही हैं, हीमोफिलेज इन्फ्लुएंज निमोना करता है, ठीक है, राइनो वायरस ह्यूमन कॉमन कॉल करता है, ठीक है, वुचरेरिया फिलेरिसिस करता है, ये भी करता है, फंजाई रिंगवॉर्म करते हैं, सब सही है। पहला ऑप्शन चारों सही है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विथ रिस्पेक्ट टू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन एडल्ट, बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि नीट में तो हमें क्विकली करना है ना 3 घंटे में। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का लेती हूँ टेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बनवाती हूँ क्वेश्चंस। क्या होगा एडल्ट में, भाई म्यूकस भी होगा, लाइपेज भी होगा, एचसीएल भी होगा, बाइकार्बोनेट और पेप्सिन भी होगा। अब क्योंकि क्या है, होता तो पेप्सिनोजन है, ठीक है, लेकिन एचसीएल उसको किस में बदल देगा, पेप्सिन में। ऐसा यू विल सी इन एडल्ट मोर प्रोमिनेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, बताओ। स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, बताओ। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ग्रोथ फॉर्म, नीड ऑफ लाइट, स्पीशीज डाइवर्सिटी, टाइप ऑफ सेल, करेक्टली बताता है, बताओ कौन सा होगा इसका आंसर। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक किस तरीके से डिसाइड करोगे आप? इसका आंसर नीड ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स, ग्रोथ फॉर्म्स नहीं है। फिलिफॉर्म अपरेटस इज प्रेजेंट इन, याद है, याद है वो दिन जब मैंने पढ़ाया था, चलाजा, माइक्रोपाइल, एंटीपोडल्स, बताओ। ये एग हो गया, ये सिनर्जिट्स हो गए, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स सिनर्जिट्स। चलो, अ कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड इवन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ मैरिज, आफ्टर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट फीमेल ओवरी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एग, बट हर फेलोपियन ट्यूब्स इन यूटरस आर सूटेबल फॉर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। मेल हैज नो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, मेल हैज नो रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, विच आर्टिफिशियल टेक्निक वुड बी फॉलो टू हेल्प द कपल
टू गेट अ चाइल्ड. इट इज़ ICSI, इट इज़ GIFT, इट इज़ ZIFT और इट इज़ IUT. बताइए क्या होगा स्टूडेंट्स इसका. गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. वेरी गुड. ऑब्जर्व द फॉलोइंग. ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई द लेबल स्ट्रक्चर PQRS. देखो ये आपका P है, ये आपका Q है, ये R और S है. ये चार एक तरीके से आपको लेबलिंग दी गई है. PQRS, ठीक है. बताइए PQRS कौन से में सबसे सही है. क्या होगा P क्या है आपका आर्चियोगोनो 4 है, Q आपका जेमा कप है, R आपका एंथ्रिडोपोर है और S आपका क्या बन रहा है, कैप्सूल बन रहा है. तो इट इज 4, ठीक है, इट इज 4. नाउ आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फिन्स. दिस इज, ये एक फिश का पिक्चर है, इसमें फिन्स दे रखी हैं. तो 1, 2, 3, 4 फिगर में एक काटला बोनी फिश है. ये काटला बोनी फिश है, इसमें आपको फिन्स बता रखे हैं. बताइए कौन से फिन्स किस पे सूट करते हैं. फर्स्ट वाला फिन क्या है आपका, पेल्विक. दूसरा वाला उधर डॉर्सल वाला है, ठीक है. तीसरा वाला आपका पेक्टोरल है और फोर्थ वाला क्या है आपका, एनल है. पिक देखते से ही समझ में आ रहा है. सेलेक्टेबल मार्कर यूज इन RDT बिकॉज, बताओ सेलेक्टेबल मार्कर यूज इन RDT बिकॉज. हाँ भाई बच्चों, ये बिल्कुल बच्चा से बोला, अपना ध्यान रखो. 12 तारीख तक आपको, 13 तक आपको, बहुत ऐसा नहीं कि बाद में ध्यान नहीं रखना है, पर बाद में होता है कि चलो कफ हो भी गया तो ठीक हो जाएंगे यार, लेकिन एग्जाम तक आपकी तबीयत कतई खराब नहीं होनी चाहिए. प्रॉमिस मी यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. क्या होगा स्टूडेंट्स इसका, ई सेलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Depending on the ease of extraction, membrane protein can be classified as hydrophobic and hydrophilic. Cell membrane composed of lipid. Lipids are arranged within the membrane. Phagocytosis, pinocytosis. ये चारों स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं. बताइए इनमें से गलत कौन सा है. गलत कौन सा है. तीन चीजें याद रखनी है. कॉन्फिडेंस, सॉल्व मोर एंड मोर मॉक टेस्ट. 3 घंटे रोज एक कमरे में जाके बैठ जाओ, अलार्म रख लो कि 3 घंटे में 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायोलॉजी करने, तभी तर पाओगे नीट में. पढ़ाई करने से सब कुछ नहीं होता, कि मैंने पढ़ाई बहुत करी थी पर फिर भी मेरा नहीं हुआ. प्लानिंग नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, हेल्थ नहीं होगी, तो सिलेक्शन दिक्कत दे देगा. ठीक है, 26 का क्या होगा, बी वाला. अगर आप इसको देखोगे, रॉन्ग कौन से हैं भाई आप मुझे बताओ. एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर तो कतई भी नहीं था, मोनोलेयर में भी अरेंज नहीं है, सिर्फ यही सही है. ये तीनों गलत है. इन फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड जो हायर प्रोडक्टिविटी हैज बीन यूज फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप सच एस ग्रीन हाउस क्रॉप सच एस. कोई बात नहीं, कहीं पर भी सेंटर आया हो, ग्लव्स पहन के जाना, मास्क पहन के जाना, हेडगियर पहन के जाना, पूरा किट पहन के जाना. एक तरीके से चैलेंजिंग है इस बार, ये चैलेंज है इस बार आपके लिए कोविड के साथ आपको नीट देना, लेकिन हिम्मत होगी तो क्रॉस कर लेंगे. क्या होगा 27 का, बेल पेपर एंड टोमेटोज.
ये चैलेंज है एक तरीके से कोविड में नीट देना सारे बच्चों के लिए। तो जो इसको एक्सेप्ट करेगा बहादुरी से वो नीट क्रॉस कर लेगा। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स, द थाइमस इज क्वाइट लार्ज, स्प्लीन इज सेकेंडरी, माल्ट कंसिस्ट 50%। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट को बताइए, इन सब में से, इन चारों में से करेक्ट कौन सा है? वो बता दूंगी ड्रेस कोड पर और प्रिकॉशंस पे, 5, 6, 7 या किसी एक सितंबर को मैं वीडियो दे दूंगी आप लोगों को, उसकी फिक्र मत करो। क्या होगा इसका अगर आप देखोगे तो? सभी तो करेक्ट हैं, कोई भी तो गलत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स, कंसिडर द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन रिलेशन टू नंबर ऑफ स्पीशीज? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा फॉग होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लगाना तो है मास्क, थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का सा नीचे कर लेना फिर लगा लेना, पर मास्क मत हटाना। इसका क्या होगा? फिशेस से कम बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एट 80 पेसेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, 80 पेस की तरह कौन बिहेव कर रहा है? मायोसिन। एंटोमोफिली इज प्रेजेंट इन, थोड़ा क्विकली खेलेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करनी है, ठीक है? एंटोमोफिली इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होगी एंटोमोफिली? मेनली इंसेक्ट से, जो ब्राइट होंगे बहुत ज्यादा, इन सब में से ब्राइट सनफ्लावर है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आर सीन इन, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, कहाँ देखेंगे? गैस्ट्रुलेशन में, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। इन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम विच ऑर्गेनिजम्स वर इंक्लूडेड अंडर प्लांट? पहले क्लासिफिकेशन में किन किन को प्लांट्स की कैटेगरी में डाला गया था स्टूडेंट्स, बताओ? सबको ही डाल दिया था इन्होंने, इन्होंने क्या किया था, सबको ही डाल दिया था। बैक्टीरिया को भी डालो, बीजे को भी डालो, तभी तो उसके बाद डस्टबिन किंगडम स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्टा, क्योंकि सबको एक में डाला तो फिट नहीं हो पाए, कॉन्ट्रोवर्जीज हो गई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय सेम यूनिट, डिसिमिलर प्लांट, लॉ ऑफ डोमिनेंस फैक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस? इन चारों में से मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? जो बच्चे नए आ रहे हैं, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया? थोड़े से दिन बाकी हैं बच्चों, बस पेशेंस रखो, हिम्मत रखो, घबराओ मत। क्या होगा इसका? बी, देखो डिससिमिलर पेयर में से दोनों में से कोई एक डोमिनेट कर लेगा। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फैक्टर्स अकर इन प्लांट पार्ट्स बी एंड डी। मैच द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। ये सेल का एक कॉम्पोजिशन दे रखा है उसके बायोमोलिक्यूल और परसेंटेज के बेसिस पर, कौन सबसे सही है बताइए? क्या होगा इसका? इसका होगा ए का 3, बी का 2, सी का 4, ठीक है, एंड डी का
विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रिडक्शनल डिविजन. रिडक्शनल डिविजन होता है मियोसिस, उसके रेस्पेक्ट में स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. इंटरकाइनेसिस इज शॉर्ट लिफ्ट फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड अ मच सिमिलर फेज. डाइकाइनेसिस इज मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चॉइस मेटा. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम या स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर. बताइए इसका क्या होगा, क्या चीज रिडक्शनल डिविजन में नहीं होती है. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एनाफेस वन में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता. अ सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर यूज टू प्रमोट सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल. एनसीईआरटी का सीधा सीधा उठा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, इथिफॉन क्या है, इथिफॉन. इन सिवियर केसेस फिंगर नेल एंड लिप्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. बिल्कुल नीले पड़ जाओगे आप लोग. किस बीमारी में होता है, वेरी नाइस, निमोनिया में. निमोनिया में, ठीक है. नाउ इन द गिवन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट ए बी सी डी ई एंड एफ. ये दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और एफ है. बताइए कौन सा वाला किसके साथ चलेगा. मैं हट जाती हूं जैसे साइड का दिख जाए. इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, 39 का. भाई ये आपकी ए वाली डर्टी ईयर गई, बी में कोरोना क्रिएट हुआ, ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज आई और फिर क्लीन ईयर हो गई ना, तो थ्री वाला पहले नेगेटिव नहीं आएगा ना, पहले नेगेटिव नहीं आएगा. ठीक है, अगर आप ये वाले ऑप्शन नहीं भी देखोगे तो उससे भी आप सीधे करेक्ट कर लोगे. ठीक है, फिर कलेक्शन प्लेट एंड डस्ट पार्टिकल्स. नाउ ओलिक रेमोन प्रोसेस प्रेजेंट इन. ओलिक रेमोन प्रोसेस, जो बच्चे ईयर लॉन्ग वाले हैं अभी भी कह रही हूँ टाइम मत बर्बाद करिए, आप लोग तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो. नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन ले लो, एक या दो साल का, कोड है MB10. क्या होगा स्टूडेंट शिक्षा, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना में आपका ओलिक रेमोन प्रोसेस है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा वाला गलत है ये पूछा है. गलत भाई बताइए फटाफट. भाई वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल थिकर होती है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी. एक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, ये तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है. कॉलम्स ऑफ बर्टिनी इज, ये होता है ना आपका कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, क्या है ये वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये एक्सटेंड इनटू मेड्यूलरी पिरामिड्स. देखते से ही आंसर बैठता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द सरफेस ऑफ अ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट एंड इज नोन एज क्रोसाम. देखो बच्चा ये 8 बजे वाला तो ईयर लॉन्ग बैच कोर्स ही है, 12th के लिए ऐसे टेस्ट रखा था. टेलीग्राम पे देख लेना, कल से रोज दिन में 1 बजे टेस्ट हुआ करेगा. 2020 जो बच्चे अटेम्प्ट दे रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट हुआ का 90 क्वेश्चन का भी, पूरा का भी, जो भी है क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो चौथा मॉक टेस्ट है कल, पांचवा होगा फिर छठा, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे. ठीक है, 11th का मैं ईयर लॉन्ग बैच कोर्स स्टार्ट करती हूँ जल्दी से जल्दी, फिक्र मत करो. ठीक है, इसका क्या होगा, हैवी मीरोमायोसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग बोन नॉट फॉर्म आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ नी जॉइंट.
नॉट फॉर्म आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ नी जॉइंट. कौन नहीं बनाता? सिंपल सी बात है, नी पे जा रहे हो तो फिब्यूला नहीं बनाएगा ना, फिब्यूला कहाँ बनाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइनैप्स? नॉट अ पार्ट ऑफ साइनैप्स, नॉट अ पार्ट ऑफ साइनैप्स. कौन साइनैप्स का पार्ट कतई नहीं होता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स कोई पार्ट नहीं होते हैं. ठीक है, नाउ द एसोसिएशन एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक मेमोरी एंड कम्युनिकेशंस आर एसोसिएशन एरिया है, कम्युनिकेशन के काम आ रहे हैं. वो क्या है? सिर्फ मोटर है, सेंसरी है? नाइदर क्लियरली मोटर नॉर सेंसरी, आइदर सेंसरी और मोटर, कुछ भी नहीं है, ना क्लियरली सेंसरी ना मोटर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम? ये वाला. ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम. बताओ कौन इसका पार्ट नहीं है? फटाफट डायग्राम देखो और बताओ. एंडोथीशियम होगा, टेप्टम होगा, भाई इसकी लेयर है स्पोरोजिनस. फनिकल तो अपना ओव्यूल में चला जाता है. चैस्मोगेमस फ्लावर्स. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बच्चे लेट लेट क्यों आ रहे हो? टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मीतू भावरानी से भी जा सकते हैं, जाते टाइम लिंक दिखा दूंगी. थोड़ा लेट हो जाती हो, इससे इनिशियली नहीं देख पाते हो आप लोग. क्या होगा इसका? चैस्मोगेमस फ्लावर्स क्या हैं? सिमिलर टू अदर स्पीशीज? नहीं. ऑटोगेमस? नहीं. आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विथ एक्सपोज टू एंथर एंड स्टिग्मा इन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. ये आपका स्टिग्म पिस्टल का ये है, ये पोलन है. तो इन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बताओ क्या होगा? पिस्टल एक्सेप्ट कंपेटिबल पोलन, ठीक है. पिस्टल रिजेक्ट इनकम्पेटिबल पोलन, ठीक है. पिस्टल रिजेक्ट द इनकम्पेटिबल पोलन बाय प्रिवेंटिंग ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब. सब सही है स्टूडेंट, सब सही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट? मैं 11th का बैच जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, बता दूंगी. क्या होगा? 50 हाफ सेंचुरी हो गई है हमारी. बनाना नॉट अ फॉल्स फ्रूट. द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड. ये तो बैच कोर्स में भी चल रहा है, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ. वैसे बैच कोर्स जो 12th ईयर लॉन्ग होता है वो रोज रात में 8 बजे लेट्स क्रैक नीट यूजी पर आता है, ऐसे जैसे आता है. उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और कल हम लोग उसमें ह्यूमन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ढंग से पढ़ेंगे और भी चीज़ें बहुत सारी देखेंगे उसके अंदर. ठीक है, एक तरीके से हम लोग रिवाइज ही कर लेंगे उसको. फिर फीमेल का देखेंगे, ओजेनेसिस देखेंगे, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन चैप्टर फिनिश. क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? रेटे टेस्टीज, वासा एफरेंशिया, एपिडर्मल, वास डिफरेंस पूरा लिखा हुआ था उसमें. स्पर्म्स फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड. ये मैंने बैच कोर्स में भी पढ़ाया है, ये तो फटाफट आंसर कर दो. क्या होगा? स्पर्मिएशन. जैसे ही सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म निकला, स्पर्मिएशन का प्रोसीजर हुआ. फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, एक नॉर्मल फर्टिलिटी को क्या कहोगे आप? कि ये एक नॉर्मल फर्टाइल पर्सन है, बताओ. क्या बोलोगे? जब एक ह्यूमन मेल कम से कम 200 से 300 मिलियन
स्पर्म्स को रिलीज कर सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर. फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम. इट इज सिक्रीटेड बाय तीनों. इन तीनों के सिक्रीशन को सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं. ठीक है. नरिशमेंट टू स्पर्म्स. इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है? इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगी स्टूडेंट्स. ठीक है, इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, अभी कर दूंगी, ये खत्म होते से कर दूंगी. क्या होगा इसका? ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच होगा, यूटेराइन सेल डिवाइड होंगे, ब्लास्टोसिस यूटरस में जाकर प्रेगनेंसी कंफर्म कर देगा, ऑल ऑफ दी अबव. इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो बना है जायगोट वो एम्ब्रियो के फॉर्म में इम्प्लांट हो चुका है यूटरस में, प्रेगनेंसी लेडी में कंफर्म हो चुकी है बिल्कुल. द नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? पीरियोडिक ट्रेडिशन मतलब अपने हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से देख लिया. कोइटस विथड्रॉल, लैक्टेशनल एमेनोरिया, कि जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर दिए 6 महीने तक तो मैना मेंस्ट्रुएशन नहीं आता, तो दैट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेफर, ऑल ऑफ द अबव. पर ये देखा जाए तो बिल्कुल सेफर नहीं है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ. कब? मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल मतलब डॉक्टर खुद कह रही है कि येस वी कैन अबॉर्ट द चाइल्ड. उस किस समय पर अटेम्प्ट की जा सकती है बताओ? किस समय पर अटेम्प्ट की जा सकती है? अप टू 12 वीक्स टू प्रेगनेंसी. मेंडल सेलेक्टेड, मेंडल सर ने क्या सेलेक्ट किया था? इजी क्वेश्चन है जेनेटिक्स में से. 7 ट्रू ब्रीडिंग, 14 ट्रू ब्रीडिंग, 21 ट्रू या 28 ट्रू? डायरेक्ट वाला है. 14 वेराइटीज निकाली थी पी प्लांट की. मेंडल क्रॉस दी टॉल प्लांट फ्रॉम एफ टू टी विथ अ ड्वार्फ प्लांट. दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल टेस्ट क्रॉस. एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है. एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स. द पॉसिबल डिफरेंट फीनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर, तीन करते हैं ना, आईए, आईबी एंड आईओ. तो कितने जीनोटाइप और फीनोटाइप बनेंगे? बच्चों आप लोग बहुत ही उम्दा खेल रहे हो, मैं देख रही हूं आपके आंसर्स. ठीक है ना, मैं चैट भी देखती जा रही हूं. ठीक है ना, एकदम सबका नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो. मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूं आज कि आप लोग इतने सारे बच्चे आते हो मेरी क्लास में. एक एजुकेटर अपने बच्चों से ही प्राउड फील करता है, खुद के अचीवमेंट्स होते ही हैं लेकिन जब आप आते हो, लाइव लर्नर्स बनते हो, तो जो प्राउड होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है. और आप मुझे रोज देते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर कमिंग. इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 फीनोटाइप और 6 जीनोटाइप. बकायदा टेबल बनी हुई आप देख सकते हो एनसीईआरटी में. व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइन इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड. सिंपल लॉ का आंसर दे रखा है आपको, आपको लॉ पहचानना है.
सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट द लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि वर्ड ही इंडिपेंडेंट दे रखा है. मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन अ इनहेरिटेंस वॉज डिस्कवर्ड बाय. किसने रीडिस्कवर किया था? डिवरीज, कोरेंस एंड वॉन तशरमर्क इंडिपेंडेंटली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? बताओ. क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर्स के क्वेश्चंस है ना. साल्टेशन इज, बच्चों ये जो मॉक टेस्ट है ये तो वैसे आज ईयर लॉन्ग बैच कोर्स में लिया है, वैसे ये ईयर लॉन्ग बैच को 21 के लिए. कल मॉक टेस्ट 1 बजे होगा दिन में इसी चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर, और 1 बजे 12 एक दो ऐसे ही टाइम चलता रहेगा उसका. 1 बजे का टाइम रखा है, टेलीग्राम पे देख लेना, रात में लिंक डाल दूंगी. और इससे ज़्यादा बच्चे मुझे जो जितने आए उतने तो चाहिए, उससे ज़्यादा डबल चाहिए. ठीक है, आओगे ना, आओगे ना मेरा साथ देने? तुम्हारे लिए तो आती हूँ, तुम्हारा ही तो वेट करती हूँ मैं तुम सबका. साल्टेशन है सिंगल स्टेप म्यूटेशन बस. सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पोलन्स आर ट्रांसफर्ड टू फिल इन द ब्लैंक ऑफ द फ्लावर एंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक ऑफ द प्लांट. द इंफॉर्मेशन इन विच ऑल्टरनेटिव कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट. बताइए फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या फिल करोगे? आओगे ना कल भी? ठीक है, टेलीग्राम पे देख लेना, मेरा लिंक अभी जाते टाइम बता दूंगी. और मेरा मीतू भवनानी से भी जा सकते हो, क्योंकि रात में 8 बजे वाला बैच कोर्स क्या है, फिर वो ईयर लॉन्ग है, उसको ईयर लॉन्ग ही रखते हैं. तो टेस्ट हम लोग दिन में ले लेंगे. अभी 2 से 3 दिन टेस्ट यूट्यूब पे चलेंगे, तो टेलीग्राम पे पढ़ा करो ढंग से कि मैंने क्या लिखा है. स्पेशल क्लास लिखा है, यूट्यूब लिखा, तो ढंग से पढ़ के सोया करो, क्योंकि अभी तो आपको कोई भी सेशन मिस नहीं करना है. और अगर किया ना तो पिटाई कर दूंगी मैं. हाँ, मैं एक एक की पिटाई कर दूंगी. स्टिग्मा एंड द सेम प्लांट. फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स. द स्पर्म्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर पर तेरा एंथर भी है, कार्पल भी है. क्या बोलोगे इसको? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा. पोलन ऑफ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एप्पल्स आर यूज फॉर मेकिंग एप्पल सॉस एंड सिडर. दे आर ऑल्सो ईटन इन द रॉ और द कुक्ड फॉर्म. द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल फ्रूट इज इट्स. बेटा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिलेगा. टेलीग्राम पे आप मीतू भावनानी से ज्वाइन कर लीजिए, या ये मेरा लिंक है. ठीक है, और जब आप नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन ले 1 या 2 साल का, तो कोड है MB10. इसका क्या होगा स्टूडेंट? 68 का. फ्लैशी थैलेमस क्या खाते हो एप्पल का? फ्लैशी थैलेमस. एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. एंडोस्पर्म किससे बनता है? अगर एक क्वेश्चन इस पे आ जाए तो ट्रिपल फ्यूजन से. ठीक है, फूड प्रोवाइड करता है. अगर एंडोस्पर्म किससे बनता है बताओ? किसके फ्यूजन से बनता है? आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हो, मैं आपकी चैट भी देख रही हूं कि कौन सा बच्चा. काफी अच्छा खेल रहे हो आप लोग, मतलब सिलेक्शन के नजदीक तो हो, बिल्कुल नजदीक हो सिलेक्शन. इतने सही कर तो हो ही जाएगा ना, फिर कौन रोकेगा? कौन माइकल ओल रोकेगा सिलेक्शन को? कोई नहीं रोकेगा. ठीक है, रसोड़े में कौन था? वो आता है ना एक, रसोड़े में कौन था? तुम थी कि मैं थी? मैं था कि तुम थी? ऐसा कुछ आता है ना. चलो, एंटोमोफिली इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन विच द पोलन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट इट ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर इंसेक्ट से. बस ये पढ़ना है और इसको पढ़ना है. ट्रिकी क्वेश्चन. Which of the following characteristic is not shown by insect pollinated?
क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 और बाकी। देखो कितनी स्पीड में किए हम लोगों ने। दे हैव अ लाइट एंड फेदरी पोलन, ये नहीं है कैरेक्टर, ठीक है। एक मॉक टेस्ट, दो मॉक टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के भी इन्वॉल्व करके लेती हूँ, पर उसमें ये कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री फिर आप लोग ही सॉल्व करना, मैं खड़ी रहूंगी कोने में क्योंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है। जस्ट एक आप लोगों को फील देने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड कर दूंगी। इन एन ओव्यूल द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल गिव राइज टू फीमेल गैमिट थ्रू मियोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिट, ठीक है। हाँ भाई, कुकर से चना, चना बाद में निकालना, पहले क्वेश्चन करो। तू निकाला कि मैं निकाला वो बात की बात है, रसोड़े में कौन था? अभी रसोड़े में ध्यान नहीं देना, अभी इस पे ध्यान देना है। गर्ल्स भी कोई रसोड़े फसोड़े में ध्यान नहीं देना है, पहले पढ़ाई, पहले डॉक्टरी, पहले सब कुछ, बाद में रसोड़ा आता है, ठीक है। क्या होगा 71 का? बी वाला होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस प्रोड्यूसेस ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर, रिडक्शनल डिवीजन, चार में से एक बचेगा। ओव्यूल्स आर फॉर्म इनसाइड द ओवरी, ठीक है, ये ओव्यूल के अंदर ओवरी बनेगा। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर द रीजन वेयर द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल इज कॉल्ड, कहाँ से घुसता है? माइक्रोपाइल भाई, एम्फीट्रोपस जो मेरा ओव्यूल है उसमें जगह तो मेरा माइक्रोपाइल ही देगा ना, और कौन देगा घुसने के लिए? इन अ पी प्लांट द ग्रीन पॉड कलर इज डोमिनेंट ओवर द येलो पॉड कलर। इन अ जेनेटिक क्रॉस टू हिट्रोजाइगर प्लांट्स आर क्रॉस टू ऑब्टेन अ पॉड कलर नंबर ऑफ येलो पॉड्स। बहुत ईजी है निकालना। ओके, वी विल कंडक्ट पोल टेस्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मेगा टेस्ट सिर्फ यूट्यूब पे लूंगी, बहुत टाइम से यूट्यूब पे नहीं लिया था, इसलिए वी विल कंडक्ट ऑन अन अकेडमी ऐप, डोंट वरी, ठीक है। पर दोनों प्लेटफॉर्म पे जरूरी है ना, दोनों प्लेटफॉर्म पे बच्चों को बेस्ट मिलना चाहिए। इसका क्या होगा 73 का? 1/4 इधर का एक होगा तो चार के साथ क्रॉस करेगा। इन अ पी प्लांट द एक्सियल फ्लावर पोजिशन इज डोमिनेंट, ये वाली पोजिशन इससे काफी डोमिनेट होती है। अज्यूम डेट एक्सियल ए ए है और टर्मिनल ए ए है, ठीक है, और क्रॉस करा दिया है। द परसेंटेज ऑफ पी प्लांट विद एक्सियल फ्लावर इन द एफ टू जेनरेशन कितनी होगी? कितनी होगी? सिर्फ 25% बनेगी, क्योंकि F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अ राउंड येलो सीड पी प्लांट आर आर वाई वाई इज क्रॉस्ड विद आर आर वाई वाई, तो F2 जनरेशन में कैसा फिनोटाइप आएगा? फीनोटाइप पूछा है, कैसा फीनोटाइप आएगा? ये तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ना, 9:3:3:1 ऐसे जब आप क्रॉस कराते हो। मेंडल कैरीड आउट वेरियस टेस्ट क्रॉस टू फाइंड आउट वेदर द डोमिनेंट ट्रेट इज होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस। अ टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन, डायरेक्ट लाइन का क्वेश्चन है, डेफिनेशन का क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन पे क्वेश्चन बना दिया।
क्या होगा बिटवीन एफ वन एंड रिसेसिव पेरेंट, क्योंकि पहले होमोजाइगस है फिर तुम हिटरोजाइगस उठा रहे हो। मेंडल्स वर्क ऑन द पी प्लांट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग पी प्लांट ट्रेड वॉज नॉट स्टडीड, पी के बारे में खोद दिया मेंडल सर ने, खोद दिया उसको, पूरा निकाल दिया, फिर भी एक ट्रेड भूल गए, वो क्या होना चाहिए? लीव पोजिशन, कुछ नहीं देखा इस बारे में। क्लिन फिल्टर सिंड्रोम अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इन द जीनोम, द क्रोमोजोम नंबर ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल इज 47XXY। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिन फिल्टर सिंड्रोम, बताइए। अंडर डेवलप्ड ओवरीज, ऐसा कुछ नहीं होता है सिंड्रोम में, नॉट पूछा है। टर्नर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट जनरली अफेक्ट द फीमेल्स, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट आर शॉर्ट स्टेचर, वेब्ड नेक, शील्ड लाइक चेस्ट, स्टेराइल एंड डीजेनरेट ओवरीज। विच एबनॉर्मेलिटी ऑफ द एक्स क्रोमोजोम रिजल्ट इन टर्नर सिंड्रोम, पहले उन्होंने सिम्टम्स को पूछा था, इसमें सिम्टम्स डाल के पूछा है। मोनोजोमी एक एक्स की वजह से हो रहा है ना। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम आर मेंटली रिटार्डेड, शॉर्ट स्टेचर्ड एंड ब्रॉड हेड, ठीक है, विथ अ राउंड फेस एंड एपिकेंथल फोल्ड्स। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स दिए हैं, अब पूछा है कि किसकी वजह से होगा। बच्चों हेल्थ का ध्यान रखा करो, इम्यूनिटी बूस्टर फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ और 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पिया करो, टॉक्सिन्स बॉडी से निकाल करो, सुबह एक ग्लास गर्म पानी भी पिया करो उठकर, क्योंकि सब पढ़ लिया पर हेल्थ खराब के कारण नीट नहीं दे पाए तो धरा का धरा रह जाएगा सब कुछ, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, क्या होगा ये? और हेल्थ का तो हमेशा ही ध्यान रखना है, आगे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, मेहनत करोगे, हैक्टिक शेड्यूल में आओगे, तो हेल्थ का तो ध्यान हमेशा रखना है। तो अभी से आदत रहेगी तो वहाँ पर भी आदत, क्योंकि वहाँ अकेले पढ़ोगे, मॉम डैड थोड़ी साथ में रहेंगे आपके, तो इसलिए देखो ध्यान से, जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको समझो। डाउन सिंड्रोम इज़ अ वेरी कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग 1 out of every 700 लाइफ, बट ठीक है 700 में से किसी एक को हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, पुराने वाले क्वेश्चन में से ही निकाल दिया इसको, कौन सा सिम्टम है ही नहीं। बेटा ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हो रही है ना क्लासेस, इंग्लिश हिंदी मिक्स है ना, प्योर इंग्लिश भी नहीं है, एकदम प्योर हिंदी, हिंदी तो बोल रही हूं, इसका क्या होगा? स्टेराइल डीजेनरेट सेक्स ऑर्गन, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। चलो, द फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व कटिंग अ डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए, द डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एंजाइम। आपको इस डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करना है, कौन सा उठाओगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। During genetic manipulation, the desired gene is inserted into the vector by cutting the vector at specific site for genetic insertion. कौन सा enzyme आप use करोगे? गलत मत करना।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में दोनों को कट कर रहे हैं, जहां पर भी कट वर्ड आता है ना आपका दिमाग सिर्फ इस पे जाना चाहिए, लाइगेज पे मत ले जाना दिमाग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स? हम लोग ज्यादातर एनिमल्स को पकड़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, प्लांट कौन सा यूज करोगे? एगैरो बैक्टीरियम, सिंपल बता, एगैरो बैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस। इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल आइसोलेटेड इज लो, देन विच प्रोसेस इज यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए? और बच्चों खुश भी रहा करो, अब नीट में 13 सितंबर को देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, पर ऐसे टेंशन भी मत लेके जीना कि यार, मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स से बातें करना, एंटरटेन करना, पर सोशल मीडिया और थोड़ा सा एक दूसरे से ये मत पूछना तेरा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, उसमें बहुत बच्चे मरते हैं, वो मत करना। अपने में सीमित रहना, अपने में पढ़ाई करना, 13 तारीख के बाद जो होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पर एम्प्लीफिकेशन आएगा, रिकॉम्बिनेंट सेल इज वन। रिकॉम्बिनेंट सेल कौन सा होता है? बेटा मॉक टेस्ट 1, 2 एंड 3 मैंने स्पेशल क्लासेस पे लिया था, मॉक टेस्ट नंबर 4, 5 एंड 6 मैं यूट्यूब पर लूंगी। पर 5 एंड 6 ये तो क्या बैच कोर्स ईयर लॉन्ग था, मुझे था कि यार टेस्ट ले लेना चाहिए, इसलिए अभी वैसे ईयर लॉन्ग में, कल मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी दिन में 1 बजे, आपका 2 दिन, कल मॉक टेस्ट 5 होगा दिन में 1 बजे और मॉक टेस्ट 6, चैनल लेट्स क्रैक यूट्यूब जी पर। बेटर के लिए स्केड्यूल टेलीग्राम पे देखिए, मीतू भावनानी से चले जाइए, ठीक है? लिंक में जाते टाइम भी दे दूंगी। क्या होगा इसका? ऑल्टर्ड जीनोम, इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन, सिंपल, रिकॉम्बिनेंट दूसरे को ले लिया है। बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन वेराइटी कंटेनिंग जीन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया कॉल्ड बेसिलस थ्यूरिजीनसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बीटी कॉटन? इसके लिए क्या गलत है? क्या होगा? ये इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कतई भी नहीं करता है। चलो टू मोर क्वेश्चन, मतलब 3 मोर क्वेश्चन। कीथ कैंपल एंड आयन विलमंट वर द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लोन अ मैमल एट द रोजेलिन इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। इट वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ मैमल वॉज बॉर्न विदाउट फर्टिलाइजेशन। विच वॉज द फर्स्ट मैमल? बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया था। शीप, डॉली शीप पहला ट्रांसजेनिक बनाया था बिना फर्टिलाइजेशन के। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया हैज हेल्प डायबिटिक डायबिटीज पेशेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया? इंसुलिन को तुम बैक्टीरिया से निकाल सकते हो, वरदान है डायबिटिक पेशेंट के लिए, कौन सा मेथड लोगे? कौन सा मेथड तुम इस्तेमाल करोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करोगे, और कौन सा कर पाओगे? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट 4 बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस का। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस डज द ट्रांसजेनिक मॉडल नॉट एग्जिस्ट? ट्रांसजेनिक मॉडल कतई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस पर? मलेरिया पर। दी एंड। ठीक है, अब जो मॉक टेस्ट 5 है और 6 ये यूट्यूब पे होगा, बाकी कंटिन्यू में बता दूंगी। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप लोग इतने लोग आए हो, ज्वाइन किया है टेस्ट को, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। आज मैं 2 रोटी ज्यादा खाऊंगी, ठीक है? तो आप लोग बच्चों अपना ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल, मेंटल लेवल को खुश रखो, गिरने मत दो,
टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो, मैं दोबारा लिंक लिख देती हूँ, ठीक है। बायोलॉजी 90 क्वेश्चन, ये 2 दिन बायोलॉजी 90 का करते हैं, फिर जो 7वां मॉक टेस्ट होगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डाल देंगे, वो आप खुद सॉल्व कर लेना। 3 घंटे का सेशन ले लेंगे हम लोग, जैसे थोड़ा जल्दी ले लेंगे 12 बजे। तो टेलीग्राम पे टाइम स्केड्यूल और लिंक सब आता है, गेटिंग माई पॉइंट। मैं अन अकेडमी पर चारों क्लासेस को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, 9, 10, 11, 12। 9th की क्लासेस सुबह चलती हैं यूट्यूब पर, लेट्स क्रैक फाउंडेशन NTSC चैनल पे, 9:15 AM, एक दिन 9th, एक दिन 10th। फिर दिन में मैंने जैसे 12 बजे का टाइम चुन लिया, एक ऐसे तो 1 बजे का टाइम हमारा फिक्स है, 12:30 का था पर 1 का करा है क्योंकि थोड़ा सा फिर स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है, तो 1 बजे का। तो कल भी ये मॉक टेस्ट नंबर 5 1 बजे है यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर, और फिर रात में 8 बजे दोबारा इसी चैनल पे हम लोग मिलेंगे। ये ईयर लॉन्ग बैच है 2021 के लिए, आज मैंने मॉक टेस्ट रख दिया था। फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बचा हुआ है विद स्पर्मेटोजेनेसिस उसको खत्म करेंगे, क्योंकि हमें इस सिलेबस को भी जल्दी जल्दी करना है, 11th का भी उठाना है। फिर रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे 12th तो बहुत जल्दी हो जाएगी अपनी, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स मैंने प्रॉमिस किया है कि ऐसा पढ़ाऊंगी कि जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड एक बात यही कहूँगी बच्चों, ईयर लॉन्ग बच्चों के लिए सब्सक्रिप्शन वैसे तो उनको ले लेना चाहिए, बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, आपको नुकसान क्यों देगा अन अकेडमी, मैं क्यों आपको नुकसान दूंगी। सब्सक्रिप्शन से आप पर्सनल डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी ही मिलती है। अगर आप काउंट करोगे ना तो आपको 0 अनबेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बेनिफिट ही मिलेंगे, मतलब बोलते ना हार्म तो है ही नहीं, तो लेना चाहिए। तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके नीट यूजी का 1 साल या 2 साल का लीजिए, क्योंकि तैयारी 1 या 1.5 महीने की नहीं होती है, तैयारी होती है साल भर की, जीत साल भर बाद ही मिलती है। कोड को डाल देना MB10, और दुनिया का कोई भी कोर्स आप लो, चाहे UPSC, SSC, बैंक, PO, CSIR, नीट, NDA, कॉमर्स, CA, फाउंडेशन, बोर्ड्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अकेडमी। कोड डाल देना MB10। नीट UG में MB10 डालना क्यों जरूरी है, मेरे बैच में आने के लिए, ठीक है। बाकी ये कोड यूनिवर्सल है, अगेन कह रही हूँ बच्चों, मुझे तो आप ही प्राउड फील कराते हो आकर मुझसे मिलकर, मुझ पे भरोसा रखकर कि हाँ मैं आपके लिए कुछ जो कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझ पे भरोसा करके आते हो ना, तो ये मेरी बहुत बड़ा अचीवमेंट है अन अकेडमी पर कि आप मुझ पे भरोसा रखकर आते हो, मेरे क्वेश्चंस को करते हो, समझते हो और भरोसा रखते हो। क्या पता इन क्वेश्चंस में से ही कोई क्वेश्चन नीट में आ जाए, तो पार्टी तो मैं ही दूंगी, आप तो नहीं दोगे, मैं ही दूंगी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन आए हैं तो जीत तो दोनों की होगी, तो मैं दूंगी, ठीक है। तो बच्चों अपना ध्यान रखो, ठीक है, ओके। आपको अन अकेडमी सिर्फ बेस्ट दे रहा है, कोई भी आप खुद देखो ना, आपको अन बेनिफिट क्या मिल रहा है, सिर्फ बेनिफिट ही तो मिल रहे हैं। लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, घर से बैठकर कंफर्ट लेवल पे जितने चाहे आप पढ़ सकते हो। कभी कभार अगर आपका लाइव सेशन मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज देखिए, मेरे बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर अप की है, मैराथन सेशन है, वन शॉट है, बहुत सारी थ्योरी है, बैच कोर्सेस हैं, जो 9th 10th का बच्चा है वो 9th 10th के देखे। तो रिकॉर्डेड भी आप बार बार देखिए, बार बार रिवाइज करिए, काफ़ी सारे डाउट तो बार बार पढ़ने पे ही क्लियर हो जाते हैं, फिर नहीं होंगे तो बैठे हुए हैं क्लियर करने के लिए, बिल्कुल करेंगे, फ़र्ज़ है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना करना ही है और करना चाहिए ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से जल्दी ईयर लॉन्ग वाले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए नीट UG का, कोड MB10 डाल के। ये मेरा टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम पे टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करके डायरेक्ट मीतू भावनानी से भी जा सकते हैं। तो कल अभी मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, और कल जो रेगुलर सेशंस आते हैं कुछ मत किया करो, रात में सोने से पहले टेलीग्राम देख लिया करो, आपको कोई भी सेशन जिंदगी में मिस नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बी सेफ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल माई स्टूडेंट्स। चलो, और कोई स्ट्रेटेजी सेशन होगा तो मैं बीच बीच में अपने अकॉर्डिंग ही दे दूंगी, उसकी आप लोग फिक्र मत करो, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, बाय, गुड नाइट।